आंदोलन के तहत अश्वेत लोगों ने अमेरिका के विभिन्न स्थानों पर धरने दिए तथा लगातार प्रदर्शन किए। उनके प्रदर्शनों तथा दबाव की वजह से सन 1964 में अमेरिकी सरकार को अपने सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करना पड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, जो कि अपने समय के एक समाज सुधारक तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस बात पर जोर दिया कि हमें लंबी पदयात्रा तथा प्रदर्शन की सीधी कार्रवाइयों से अश्वेत के लिए सामान्य अधिकार हासिल करने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने 28 अगस्त सन 1963 को वाशिंगटन डीसी में लिंकन स्मारक के नीचे लगभग 2,50,000 लोगों की भीड़ के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली एवं भावनात्मक भाषण दिया। इस भाषण को किसी भी मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दिए जाने वाले सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक माना जाता है। इस भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं। मैं आपके साथ इस अभियान में शामिल होते हुए गर्व और खुशी महसूस कर रहा हूँ, जिसे इतिहास में एक महान ऐतिहासिक अभियान के रूप में याद किया जाएगा। लगभग 100 वर्ष पहले एक अमरीकी, जिसकी परछाई में हम खड़े हैं, ने अश्वेतों के मुक्ति की घोषणा के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश से लाखों अश्वेत नागरिकों को आशा की किरण दिखाई दी थी कि हम भी सुखद और सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएंगे। ये महान आदेश हम अश्वेतों के लिए एक लंबी और अंधेरी रात के बाद चमचमाती सुबह के समान था। हमें लगा हम अन्याय की लपटों में झुलसने के बाद न्याय की ठंडक और चांदनी को हासिल कर पाएंगे, लेकिन उस महान आदेश के 100 वर्ष बीतने के बाद भी अश्वेत आज भी स्वतंत्र नहीं हैं। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन तरह तरह की प्रतिबंधों के घाव की वजह से निःशक्त है। हम आज भी अलगाव का जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। हमारा जीवन अभी भी भेदभाव की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेतों का जीवन भौतिक समृद्धि के विशाल सागर के मध्य गरीबी के एक बर्फीले द्वीप की तरह अकेला है। 100 वर्ष बाद भी अश्वेत अमेरिकी समाज के एक अंधेरे कोने में दबे हुए हैं और हम अपने आप को अपने ही देश में निर्वासितों की तरह महसूस करते हैं। इसलिए हम आज यहाँ अपनी शर्मनाक स्थितियों को नाटकीय अभिनय द्वारा सबके सामने पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा एक स्वप्न है, ये ऐसा स्वप्न है जो कि स्वतंत्र, समृद्ध और प्रगतिशील अमेरिका के स्वप्न से जुड़ा हुआ है। मेरा ये स्वप्न है एक दिन ये देश अपने स्वार्थों से ऊपर उठेगा और अमेरिकी होने का वास्तविक अर्थ समझेगा। हम इस सत्य को, जो कि स्वयं सिद्ध है, पूरी मजबूती के साथ स्वीकार करते हैं कि सभी लोगों को बराबर से बनाया गया है तथा सभी लोग बराबर हैं। मेरा ये स्वप्न है कि एक दिन जॉर्जिया की लाल पहाड़ियों पर पूर्व दासों के पुत्र अपने श्वेत भाइयों के साथ, भाईचारे के साथ मेज़ पर बैठेंगे। मेरा ये स्वप्न है कि पसीने तथा गर्मी से भरा हुआ मिसिसिपी राज्य एक दिन स्वतंत्रता तथा न्याय के सागर के रूप में परिवर्तित होगा। मेरा ये स्वप्न है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मेरे 4 छोटे बच्चों को उनके रंग या चमड़ी से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। मेरा ये स्वप्न है कि एक दिन अलबामा के छोटे छोटे अश्वेत लड़के लड़कियां अपने जैसे श्वेत बच्चों से भाइयों और बहनों की तरह हाथ मिलाएंगे और मिलकर एक साथ खेलेंगे। ये ऐसा दिन होगा जिस दिन ईश्वर के सभी बच्चे आज़ादी के गीतों को नए अर्थों के साथ गाएंगे।